पूरा मामला बेमेतरा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मोहरेगा का है, जहां के स्कूली छात्र और परिजनों ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से प्राचार्य की शिकायत की। उनका आरोप है कि मोहरेगा के स्कूल में 11वीं के कई बच्चों को प्राचार्य ने जानबूझकर फेल कर दिया। जिन बच्चों ने प्राचार्य को पैसे दिए उन बच्चों को पास कर दिया है, जिसके चलते स्कूली बच्चे परेशान है। इसके साथ ही उनका कहना है कि ना हमें 11वीं में बैठने दिया जा रहा है और ना ही हमें 12वीं में बैठने दिया जा रहा है। हम लोग 11वीं का पेपर दे आए थे और हमारा रिजल्ट भी आ गया था, फिर से पास करेंगे कहकर पैसे में रिजल्ट को वापस ले लिया। और हम लोग जब पैसे नहीं दिए तो हमारा रिजल्ट भी वापस नहीं कर रहा है, न 11वीं में बैठा रहा है न 12वीं में। उत्तर माध्यमिक शाला विद्यालय मोहरंगा के प्राचार्य सन्नूलाल शर्मा, लगभग 300 बच्चे हैं कुल मिला के 9वीं और 11वीं करके, उसमें से लगभग 75% बच्चे को फेल किए हैं। और फेल करने के बाद उन बच्चों को बुलाए और बुलाने के बाद उन लोगों से 1,000, 2,000, 3,000 रुपये वसूले। हायर सेकेंडरी स्कूल मोहरेगा में बच्चों के द्वारा और पालकों के द्वारा मूल्यांकन में गड़बड़ी और बच्चों के फेल होने के संबंध में इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में 3 प्राचार्यों की एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन उसमें उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है।